समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज जब मैं राजयोग कर रहा था, परमात्मा से बातें कर रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था कि इतने बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े संसार को आप संभालते हैं, इतनी बड़ी ऑफिस होगी आपको ये सब संभालने के लिए। जब मैं उनसे ऐसी प्यार भरी बातें कर रहा था तो भगवान जी नीचे आ गए। उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी ऑफिस देखना चाहोगे? मैंने कहा जरूर, मैं देखना चाहूंगा। तो मुझे ऊपर ले गए अपने ऑफिस में, अपने धाम में। वो मुझे एक सेक्शन में ले गए। उन्होंने कहा ये जो है रिसीविंग सेक्शन है। बहुत सारे फरिश्ते वहां पे काम कर रहे थे, बहुत ही बिजी थे। भगवान ने कहा कि जो भी लोग दुआ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, वो सारे यहाँ पे रिसीव होते हैं। और ये सारे फरिश्ते तुम जो देख रहे हो ना, ये सारे उन सभी मन्नतों को रीड कर रहे हैं कि किसने कौन सी मन्नत मांगी है, कौन कौन सा प्रेयर कर रहा है। बहुत सारे फरिश्ते थे, सब बिजी थे, उनके पास फुर्सत नहीं थी। भगवान मुझे अगले सेक्शन में ले गए। उन्होंने कहा ये जो है डिलीवरी सेक्शन है। वहाँ पे भी बहुत सारे फरिश्ते थे, वो भी कार्य कर रहे थे। जो भी मन्नतें मांगी गई थी वो शॉर्ट आउट होके यहाँ आते थे और यहाँ से डिलीवरी की जाती थी कि किसको क्या क्या देना है। तो मुझे आगे ले गए, एक छोटा सा केबिन था। वहाँ केवल एक फरिश्ता बैठा हुआ था, एक ही टेबल था, एक ही कुर्सी थी और ज्यादा कार्य नहीं था। मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु ये कौन सा सेक्शन है? तो उन्होंने कहा कि ये एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है, यहाँ पे बहुत कम काम रहता है। क्योंकि लोगों की जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो लोग अपना आभार व्यक्त करना शायद भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम काम है, हल्का सा काम है। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है प्रभु, आप सबकी मन्नतें पूरी करते हो, सबको आभार प्रदर्शन तो जरूर करना चाहिए, शुक्रिया तो जरूर अदा करना चाहिए। तो प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने उनसे कहा कि प्रभु हमारे यहाँ नीचे कुछ समय पहले कबीर दास जी होके गए हैं और वो कहा करते थे कि दुख में सुमिरन सत करे, सुख में करे ना कोई। तो शायद जब दुख होता है तो लोग बहुत याद करते हैं आपको, और जब सुखी हो जाते हैं तो शायद वो याद नहीं करते हैं। प्रभु तो प्रभु हैं, मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। प्यार से उन्होंने कहा अब तुम्हारा टाइम हो रहा है, तुम नीचे जाओ, तुमको स्टूडियो भी तो जाना है ना। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और नीचे आ गया। लेकिन मैंने उनसे कहा आते आते ये बात मैं जरूर आज कहूंगा लोगों से मृत्यु लोक में कि जब प्रभु मन्नतें पूरी कर देते हैं तो अक्नॉलेज जरूर किया करें, आभार प्रदर्शन जरूर किया करें। इसीलिए आते ही मित्रों यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि प्रभु को हम शुक्रिया जरूर अदा किया करें। इस सुंदर बात के साथ, प्रेरणा भरी बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। दाता जी का स्वागत करते हैं। दाता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। दाता जी एक कैसी मनुष्य की फितरत है, मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु तो प्रभु हैं, पिता हैं, मुस्कुरा रहे थे, वैसे तो उन्हें किसी के एक्नॉलेजमेंट की, आभार प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या हमारी एक, क्या कहें, एक दायित्व तो नहीं बनता कि हमारी मन्नत पूरी हुई हम शुक्रिया अदा करें? हाँ नहीं, धन्यवाद देना, शुक्रिया करना, ये न केवल एक गुड मैनर है जी। लेकिन
जिस चीज के लिए हम भगवान को शुक्रिया करेंगे उस चीज में अतिशय वृद्धि भी होती जाएगी। ये बड़ी एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान राजी हो जाएंगे और जो आभार नहीं व्यक्त करेंगे उनसे राजी नहीं होंगे। राजी तो वो सबसे ही है, हमेशा राजी। कलयुग में भी नाराज नहीं होता, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता और फिर वो तो ठहरा सुप्रीम। तो ये हमारा परम कर्तव्य है एक दूसरे के लिए। कोई व्यक्ति हमें मदद करता है, कोई व्यक्ति हमें भला, हमारा भला करता है, ये नहीं केवल थैंक्स कह दिया, ये एक फॉर्मेलिटी है। प्यार, सम्मान और शुक्रिया निकलनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा होता है। न केवल रिलेशनशिप सुंदर होते हैं, लेकिन हम लोगों को यदि और कहीं जीवन में मदद की जरूरत पड़े तो कई लोग प्रस्तुत हो जाएंगे मदद करने के लिए। ये इसके पीछे एक सूक्ष्म साइकोलॉजी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शुक्रिया अदा हमें न केवल परमात्मा को लेकिन एक दूसरे को भी करते ही रहना चाहिए। और एक सुंदर बात हमेशा आप कहते रहते हैं व्रता जी, कि जब हम शुक्रिया अदा करते हैं मन भी प्रफुल्लित होता है और वो चीज जो कमी है वो चीज भी भरती चली जाती है। हाँ देखिए, मैं तो सबको यही कहता हूँ, जो लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास धन का बहुत अभाव है हम क्या करें, मेहनत करें, अच्छा सिंसियरली काम करें, उसके साथ भगवान को शुक्रिया भी करेंगे, तुमने हमें खाने पीने को तो दिया, रहने को दिया, बहुत धन दिया आपको, बारंबार शुक्रिया, जो तुमने दिया उसका बारंबार धन्यवाद, तो धन में भी वृद्धि होगी। तुमने मुझे बहुत श्रेष्ठ भाग्य दिया, बड़ा सुंदर परिवार दिया, यद्यपि परिवार सुंदर नहीं भी होते ये तो सब जानते हैं, पर बहुत अच्छा परिवार दिया जिसमें प्यार भरा हुआ है, जिसमें एक दूसरे के लिए अपनापन है, आपको बारंबार शुक्रिया, सबको ऐसा ही सुख मिले जी। साथ में ये भी दुआएं कर दें तो सचमुच चित चैन भी पाएगा और इन चीजों में वृद्धि भी होती जाएगी। पता जी, हम जब ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु पिता तक हमारी बातें तो जाती हैं और वो हमें संपन्न करते जाते हैं। ये तो रही हमारी एक आध्यात्मिक श्रद्धा की बात, विश्वास की बात, और ऐसा होता भी है, हम देखते भी हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? जब हम ये कहते हैं कि प्रभु तेरा शुक्रिया इतना सब कुछ देने के लिए और वो चीजें भरती जाती हैं, कुछ साइंस भी है इसके पीछे? देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का सदुपयोग है। सबकॉन्शियस माइंड से जब कोई चीज बाहर निकलती है ना, जैसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ और जिसने भाग्य दिया उसको शुक्रिया भी, तो हमारी ये तरंगे प्रकृति में जाती हैं और प्रकृति से मिक्सअप होके वही चीज वापिस आ जाती है, डबल होकर हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा। तो हमारी ये शुक्रिया के वाइब्रेशंस, हमारी वो खुशी के वाइब्रेशंस, ये सब काम करते हैं। जैसे मैं आज की बात बताऊं, मेरे पास सवेरे सवेरे सीए के दो स्टूडेंट आए जिनका फाइनल एग्जाम भारी पड़ रहा है उन्हें। एक ने कहा कि सारे परिवार में परेशानी हो रही है कि मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, एक दो बार अटेम्प्ट हो गया है। तो मैंने उसे कहा, देखिए लोग मानते हैं सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, लेकिन सत्य ये है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। आप भी प्रसन्न रहें, बहुत एनर्जेटिक रहें कि जल्दी आप सीए बन जाएंगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और अपने परिवार में भी आप हैप्पीनेस लाएं, तो ये हैप्पीनेस आपको सक्सेस की ओर ले चलेगी। वही बात है कि हैप्पीनेस के जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रकृति में जाएंगे, मिक्सअप होके सफलता वापिस आ जाएगी। जी, जी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर ऑफ माइंड की, इसके वाइब्रेशंस की, और जो प्रकृति हमें सहयोग करती है उसकी ही गति है। इसमें भावना भी काम करती है लेकिन इसके पीछे ये थ्योरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए व्रता जी, इसी शुक्रिया के साथ कि हम प्रकृति को भी, परमात्मा को भी और सभी मनुष्य आत्माओं को शुक्रिया अदा करें, उसके साथ मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ व्रता जी आपको। कि पहला मेल हमें दिशा जी ने भेजा है और ये कहती है, ओम शांति भाई जी, मेरी कोचिंग में फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बहुत बात होती है, मैं उनको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताती हूँ, पर उनमें से दो लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो दोनों बहुत नेगेटिव हैं, वो दोनों मुझसे बहुत अटैच्ड हैं, हर बात उनकी मुझे ही सॉल्व करनी पड़ती है, मेरे बहुत थॉट्स उनके लिए चलते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उनके साथ अटैच्ड हो गई हूँ। प्लीज़ भाई जी ये बताएं कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं उनसे डिटैच रहूँ और योग पर मेरा फोकस रहे, मैं ज्ञान में हूँ और ये प्रॉब्लम योग में विघ्न रूप बन रही है कि मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद अपने योग को
तोड़ डालती हूँ, क्या उपाय हो सकता है? सूक्ष्म चीज है, मुझे भी कभी शुरू में ऐसा ही होता था जी, जी। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी है जो हमें डिटैच रहना सिखाती है, और सूक्ष्म फिलोसोफी ये है कि जिसको हम मदद कर रहे हैं, यदि मदद करने के बाद हम निष्काम नहीं होते, मदद के रिटर्न में कुछ चाहते हैं जी। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है, कुछ मनुष्य बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े दयावान होते हैं। मान लो उसके दो साथी थोड़ी समस्या में हैं, तो उसको ऐसा फील होगा ये जैसे मेरी समस्या है, और वो जो है फुल फोर्स लगा देती होगी उनके पीछे। अब जब इस तरह का कर्मिक अकाउंट चलता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य अटैच हो ही जाता है। केवल श्रेष्ठ योगी ही ऐसी स्थितियों में डिटैच रह सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर ये डिटैच रहकर उनको मदद करेंगी तो इनकी मदद का 100 गुना रिजल्ट इन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये उसकी शक्तियों को छीन करने लगता है, रोकने लगता है। अटैचमेंट एक दीवार का काम करता है, और जब हम डिटैच होकर सेवा कर रहे हैं, जिसको निष्काम भाव से सेवा करना कहा जाता है, तो फुल फोर्स से हमारे वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति को मदद करते हैं। तो ये उन्हें सिखाती रहें कि वो पॉजिटिव हो जाएं, और ये कब तक उन्हें मदद करेगी? सिखाना तो उनको चाहिए कि वो अपने को खुद मदद कर सके, अन्यथा वो इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, और छींक भी आएगी तो इससे पूछेंगे कि छींक आ गई है, लगता है सर्दी लग गई, कौन सी गोली खाऊं, कौन सी गोली खाऊं। तो इतना डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, तो इनको भी उनको तैयार कर देना चाहिए। तुम कैसे शक्तिशाली बनो, उनको भी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले आए, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर ऑलमाइटी हो, ये उन्हें सिखाएं, तो उनकी अपनी सोई हुई शक्तियां जगती रहेंगी। अभी इनके लिए ये एक सुंदर बात है कि ये डिटैच होना चाहती हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट योग में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होता है उसको, ये भी महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है इनके साथ, क्योंकि मान लो वो परेशान हैं तो उनकी परेशानी का इफेक्ट इन पर आ जाएगा, और इनका मन भी विचलित होने लगेगा, एकाग्रता इनकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन्हें साक्षी भाव धारण करने की एक अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। साक्षी भाव कैसे? ओके, दे आर माई गुड फ्रेंड, ये ठीक है, और मुझे उन्हें मदद भी करनी है, लेकिन उनका अपना पार्ट भी है इस विश्व नाटक में, उनकी अपनी बुद्धि है, उनका अपना भाग्य है, उनके अपने कर्म है, कर्म के अनुसार ही तो उन्होंने भाग्य पाया है, अपने चिंतन के अनुसार उनके संस्कार बने हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दे फेस। ऐसा समझ कर इन्हें केवल अब उन्हें अपने गुड वाइब्रेशंस देनी चाहिए। और देखिए, अटैचमेंट इस रूप में आता है कि मान लो मैंने उन्हें कहा कि ये करना है, तो मैं ये चाहूंगी कि वो करें, मैं ये नहीं चाहूंगी, सोचूंगी कि मेरा काम था, उन्हें गाइड कर दिया, अब दे आर रेस्पॉन्सिबल, उनका कल्याण है, उनको फायदा होगा, उन्हें करना चाहिए। हमें इस तरह से थोड़ा डिटैच होने के लिए साक्षी भाव अपनाना पड़ेगा। वो आत्माएं हैं, हमारे फ्रेंड तो हैं, लेकिन उनका अपना अपना भाग्य, अपना अपना पार्ट भी है, और ये थोड़ा अभ्यास करें आत्मिक दृष्टि बनाने का और अशरीरी होने का, बॉडीलेसनेस, यानी मैं शरीर से ही डिटैच हूँ। तो जैसे जैसे हम देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करते जाते हैं, बाकी सब चीजों से डिटैचमेंट बढ़ती जाती है, और तब इनको योग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। साथ साथ एक दो स्वमान भी ये ले लें, हम ये नहीं कह रहे उन्हें मदद नहीं करनी। देखिए, डिटैच होकर मदद करना बहुत सुंदर चीज है, जैसे मैंने कहा, इसलिए कुछ अच्छे स्वमान लेकर, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस भी देते रहें और डिटैच भी रहें। प्रताप जी, क्या यहाँ एक चीज आप सजेस्ट करेंगे कि जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग में आता है, कोई अच्छी चीज सीखता है, योग के पथ पे चलना शुरू करता है, वो तुरंत चाहता है कि हाँ मैं सबकी मदद करनी शुरू कर दूं, कि सबको अच्छी अच्छी मतलब बातें सिखाऊं, बताऊं, अपने साथियों से शुरुआत करता है। लेकिन जैसे कोई अच्छा तैराक ना हो और किसी डूबने वाले को बचाने जाता है, तो वो खुद भी कई बार डूब जाता है। तो क्या यहाँ एक सजेशन आप देंगे लोगों को कि पहले अच्छी तरह से तैराकी सीख लें और उसके पश्चात बचाने के लिए जाएं, ताकि प्रभाव ना पड़े? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ऐसे केसेज होते रहे हैं कि व्यक्ति कच्चा है,
अभी उसने योग सीखा ही नहीं बहुत अच्छी तरह, वो दूसरे को योग सिखाने गया है और उसने उसको ही योग तुड़वा के अपने मार्ग पे चला लिया, भौतिकता का मार्ग, विषय विकारों का मार्ग। इसलिए पहले खुद को बहुत स्ट्रांग कर लेना चाहिए ताकि जो कुछ हम दूसरों को देने जा रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट हों, उसमें हमारी मास्टरी हो, हम उससे कहीं भी इधर उधर न खिसक जाएं, फिर करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। बिल्कुल। और प्रताप जी, एक चीज विशेष ये भी कि जब ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे ज्यादा अटैच हो गई हूँ, तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि थोड़े समय के लिए हम डिटैच होके, अलग होके थोड़ा ज्ञान योग बढ़ा लें, उसके पश्चात फिर उनकी मदद के लिए आगे बढ़े? बिल्कुल, ये भी सत्य है, ऐसा ही करना चाहिए। 1-2-3 मास थोड़ा सा अलग रहकर, सेपरेट होकर उनको अच्छे वाइब्रेशंस भी देते रहें, शुभ भावना भी देते रहें, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा अलग हो जाएं तो वो भी थोड़े संभल जाएंगे और अपनी स्थिति भी सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पता जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है ये भावना जी का है और ये कहती है कि मेरी बहन का जो बेटा है अभी 10th स्टैंडर्ड में गया है, बोर्ड का एग्जाम है उसका, लेकिन वो है तो इंटेलिजेंट लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करता है, जिसके कारण उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा अपसेट रहती है और उसको इरिटेशन आता रहता है कि ये ठीक से पढ़ता क्यों नहीं है। ऐसा क्या कुछ योग का अभ्यास वो कर सकती है जिससे कि उनके बेटे के मन में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा हो और 10वीं में उसके अच्छे परसेंटेज आए? भावना जी हैं, देखिए इसमें देखने की बात ये है कि बच्चे की मेंटेलिटी क्या है, वो क्यों मेहनत नहीं करता, या तो उसको अपने में कॉन्फिडेंस बहुत है कि वो जो कुछ पढ़ाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है, ये इंटेलिजेंट है, मोर देन एनफ है, उसके बाद उसे ज्यादा किताबों से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है कि इंटेलिजेंट होते भी उसके मार्क्स कम आते हैं, 60 आते हैं, 70% आते हैं, तो निश्चित रूप से उस बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, ये उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 10वीं क्लास का रिजल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर 12वीं का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक नींव रखी जा रही है उसके लिए, एक फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, तो बच्चे को थोड़ा मोटिवेट भी किया जाए, लेकिन ये देख लिया जाए उसकी रुचि और किधर तो नहीं है, अगर टीवी या नेट में है तो उसकी बुद्धि डाइवर्ट होती रहेगी और उससे उसकी एकाग्रता नष्ट होके उसकी जो बुद्धिमत्ता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, IQ जो उसका बहुत सुंदर है, वो डाउन होता जाएगा। लेकिन अगर उसका ऐसा ज्यादा नहीं है, वो मस्त रहता है, थोड़ा बहुत खेलता है, थोड़ा बहुत टीवी देखी, तो समझ लें वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी माँ ही ज्यादा चिंतित होती है, आजकल बाप नहीं, एक समय था बाप केयर करता था, अब माताओं का टर्न आ गया है, माताएं क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो अगर उन्होंने कहीं ऐसा कुछ धोखा खाया है कि वो पढ़ी नहीं और अब वो हर फील्ड में अपने को पीछे फील करती हैं, तो वो चाहती हैं मेरे बच्चों के साथ ये सब ना हो, तो अच्छी बात है वो अपने बच्चे को एक आधा घंटा रोज योगदान भी दे दे, क्योंकि ये ऐसा सुंदर समय चल रहा है। देखिए भक्ति में तो प्रेयर की, पूजा पाठ की और भगवान की मदद थोड़ी बहुत मिली, अब समय चल रहा है डायरेक्ट भगवान से हम मदद ले सकते हैं, मांग कर नहीं, उसकी शक्तियों को गेन करके। तो ये आधा घंटा रोज योग अभ्यास कर दें अपने बच्चे के लिए और पवित्र भोजन उसे खिलाएं और भोजन में ये संकल्प करें, भरें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करने के बाद कि तुम अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, इस भोजन को खाने से तुम्हारी इनर जो एक उमंग होती है वो जागृत हो जाए और तुम्हें पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि हो जाए और समय इसमें देने लगो, तो भोजन का इफेक्ट मनुष्य के मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है और उसे अच्छी अच्छी बात कह के मोटिवेट भी करना है। नॉर्मली माताएं क्या करेंगी, उन्हें डांटेंगी, पढ़ती क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं, ध्यान नहीं देता, नहीं, बहुत अच्छा, तुम बहुत होशियार हो, अरे तुम्हें इस बार 97% मार्क्स लाने हैं, देखना कोई तुमसे आगे ना निकल जाए, थोड़ी सी मेहनत और कर लो। तो इस तरह बच्चों को अगर मोटिवेट करेंगे तो उनमें रुचि पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब मोटिवेट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा योगदान देने की आवश्यकता है और ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। दादा जी, अगला मेल हमारे पास सुबीर कुमार मुखर्जी जी का आया है और ये कहते हैं, हाउ केन आई इंश्योर दैट ऑल द ग्रह नक्षत्र आर इन प्लेस एंड दैट आई गेट गुड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, डू आई हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट समथिंग एंड से इट इन माई माइंड, इफ यस व्हाट शुड आई से, please answer this question, is I am facing a lot of difficulties in my health and work life, please help me,
सुबीर कुमार जी हैं बेटे जी। लोग ऐसा सोचते ही हैं कि कोई ना कोई ग्रह का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ ग्रह, ग्रहों की भी ऐसी स्थिति है, कोई धन से जुड़ा हुआ, कोई विघ्नों से, कोई हेल्थ से, कोई परिवार की सुख शांति से, भिन्न भिन्न तरह का इफेक्ट होता है। तो हम ये सिखाते ही हैं कि ग्रह भी, ये तो फिजिकल चीज है ना, प्रकृति की चीज है, मनुष्य के निगेटिव वाइब्रेशन से ही वो भी निगेटिव हुए हैं। अब अगर मनुष्य उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगे तो ये ग्रह नक्षत्र भी हमारे फेवर में आ जाएंगे। तो एक तो ये सुंदर संकल्प उठते ही किया करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत हेल्दी हूँ और सभी नक्षत्र मेरे गुड फ्रेंड हैं, मुझे गुड वेव जा रही हैं। और योग अगर इन्होंने सीखा हो तो योग अभ्यास में पवित्र वाइब्रेशंस परमात्मा से लेकर संकल्प करें ये सभी ग्रहों को जा रहे हैं जी। बस रोज ग्रहों को पवित्र एनर्जी देंगे, प्योर एनर्जी, और ये संकल्प करेंगे दे आर माई गुड फ्रेंड्स, उनके लिए भी जैसे हमारे मन में सम्मान की भावना एक हो, इसमें पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, मन में एक सम्मान की भावना, इससे वो हमारे फेवर में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्रताप जी, ये केवल ग्रह नक्षत्रों की बात है, जैसा ये कह रहे हैं कि मेरे कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल रही है या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो क्या केवल ग्रह नक्षत्रों पे ही हम डिपेंडेंट रहे कि इसके कारण ही ऐसा हो रहा है, या कुछ व्यावहारिक चीजें भी देखी जा सकती हैं कि शायद यहाँ कुछ कमी है, वहाँ कुछ कमी देखना है। चाहिए जी, जी। ये तो जिन लोगों की भावना होती है जो हर चीज के लिए ज्योतिषी के पास पहुँचेंगे कि सिर में दर्द भी हो रहा तो सर देखो ज्योतिषी महाराज कौन सा ग्रह मेरे विरुद्ध, ये तो लोगों की आदत पड़ गई है, और पेट अपना खराब हो और उससे सिर दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी, जी। तो हमें हर फील्ड में देखना चाहिए। मान लो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो ठीक है, किसी ग्रह का बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमारे पास्ट के कुछ कर्मों का भी बुरा प्रभाव हो सकता है, हमारी वर्तमान स्थिति का बुरा प्रभाव हो सकता है। देखिए, मैंने कई जगह देखा, एक अच्छा बिजनेसमैन है, अब वो एक चीज दूसरे को देता है, अभी चीज वो मान लो 100 रुपए की है और वो उससे 500 ले लेता है, अभी कहीं ना कहीं मनुष्य को पता चलेगा ही कि यार इसने तो बहुत ज्यादा ले लिया, 100 का 200 ले लेता तो ठीक था, किसी और ने वो चीज खरीदी होगी कहीं और से 200 रुपए में खरीदी होगी। अभी ये 2-4 केस उसके साथ होते हैं तो उसके बारे में एक वातावरण बन जाता है कि ये बहुत ज्यादा लेता है पैसा, इसके पास कोई नहीं जाना है, तो 1-2 साल में उसके पास कोई नहीं जाएगा और उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। अभी वो दोष देगा किसी शनि को, शनि महाराज मेरे से रुष्ट हो गए हैं, या वो दोष देगा और किसी को, विघन आ गया है जीवन पर, पर विघन उसके अपनी उस लोभ वृत्ति के कारण है ना। देखिए, अगर वही व्यक्ति चलो 100 रुपए ही कमाता एक चीज में तो उसके पास 50 की जगह 100 ग्राहक आते और उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ती, लेकिन उसने रातों रात करोड़पति होने का सोच लिया था तो ग्राहकों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे कमाता है वो ये सोचता है उसे कम से कम पैसे में हर चीज मिले। तो केवल ग्रह ही जिम्मेदार नहीं है, मनुष्य के अपने संस्कार, उसके अपने नेचर, उसके अपने मनोविकार, उसके अपने कर्म, और कोई व्यक्ति कर्मठ ही ना हो, मान लो स्टूडेंट ही है, वो पढ़ता ही नहीं है, कर्मठ नहीं है, उसकी रुचि इंटरनेट में चली गई और कहीं चली गई, तो इसमें ग्रह क्या करेंगे। तो अपनी इन चीजों में भी सुधार लाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब व्यवहारिक तौर पे भी ये चीजें देखी जानी चाहिए, बाकी उन्हीं पे यदि डिपेंडेंट रहते हैं तो शायद उसी पे ही हम निर्भर रहते रहते हर एक कार्य करते हैं, तो शायद कार्य बिगड़ते भी चले जाते हैं और सुधार का की जो गुंजाइश होनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। चलिए ब्रता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए और हमारे सभी दर्शकों के प्रश्नों के सुंदर उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष हमने शुक्रिया से शुरुआत की थी और हर बार हम भी ब्रता जी को शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान ब्रता जी लगातार हमें देते रहते हैं। एक दूसरे के लिए भी हम शुक्रिया अवश्य अदा किया करें, यदि छोटा सा भी हेल्प उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है तो। और वैसे भी हमारे मन में कई प्रकार की मन्नतें होती हैं, हम ईश्वर से मान्यता रखते हैं कि प्रभु ये कार्य हो जाए तो हम ये करेंगे, जब कार्य पूरा होता है तब तो हम बहुत शुक्रिया अदा वैसे करते हैं, लेकिन नहीं होता तो शायद हम दोष देते रहते हैं प्रभु को कि प्रभु आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमें उनसे प्राप्त हुआ है, यदि हम उनकी ओर भी देखें, जैसे ये सुंदर सा शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हमारे अंग बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो ये भी तो परमात्मा की देन है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करें। उन्होंने हमें भोजन दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करें। सुंदर प्रकृति हमें दी है, सुंदर परिवार दिया है,
उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते रहें। तो गीता जी ने जैसे शुरू में भी कहा था कि यदि हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं तो बहुत सुंदर साइंस है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो चीज़ भी हमें प्राप्त होती चली जाती है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही मित्रों कि मैं तब तक भगवान को दोष दिया करता था जब तक कि मैंने ये नहीं देखा, पैरों के लिए वो बहुत सारे शूज़ उनको चाहिए होते थे, वो दोष दिया करते थे कि अरे भगवान ने मुझे अच्छे अच्छे जूते नहीं दिए हैं, मेरे परिवार वाले भी मुझे अच्छे जूते नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक दोष दिया करता था जब तक कि मैंने किसी लंगड़े को नहीं देख लिया जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। मैं अच्छे अच्छे स्पैक्स चाहता था कि मैं अच्छे अच्छे चश्मे पहनूं, ये मैं तब तक सोचता था जब तक कि मैंने किसी अंधे व्यक्ति को नहीं देख लिया जिसने जो संसार को देख ही नहीं पाता है। मैं भोजन के लिए बहुत आनाकानी किया करता था कि मुझे ये भोजन खाना है, वो भोजन खाना है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तब तक शिकायत किया करता था जब तक कि मैंने किसी भूखे को नहीं देख लिया जिसे 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो मित्रों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं है फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो जो दिया है उसके लिए हम दिल से उनका आभार मानते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें, तो सब कुछ हमें स्वतः प्राप्त भी होता चलेगा और हम जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद भी लेते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, कल पुनः समाधान कार्यक्रम में इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।